हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्केला डे। तो आज के ब्लॉग में हम कवर करने वाले द वर्ल्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड स्कल्पचर द जटाई वर्ल्ड सेंटर। जी हाँ, वो भी केबल कार से। और उसके बाद जाएंगे कपिल बीच, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द मलयालम मूवीज की शूटिंग होता है। और यही ब्लॉग शूट करने के टाइम मैं अपना फ़ोन भी खोने वाली थी, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, बहुत लेट हो गया, 10 बज गए हैं ऑलमोस्ट। और उसके बाद जाएंगे घूमने। सो दिस इज स्टार्टिंग आवर डे टू। इस होटल के पैकेज में इंक्लूडेड था ब्रेकफास्ट भी। तो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट इस गार्डन में सर्व किया जाता है, और इधर था सांभर, उसके बाद था चना, और था पूरी और इडली। और मैं लेट से गई थी तो इसलिए मुझे इतना ही दिखा था, और फ्रूट्स एंड केक्स ये सब तो रहता ही है। स्वेट के सी बीच को देखना और ब्रेकफास्ट गार्डन में एंजॉय करने का अलग ही फन है। और मैंने लिया था इडली और सांभर, उसके साथ था पूरी और छोला, जो कि मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट में से है। और मैं अपना ब्रेकफास्ट खाना स्टार्ट कर चुकी थी और ऑलरेडी लेट हो चुका था, और मुझे जाना था जटाई अर्थ सेंटर पे। करते करते मेरे दिमाग में चल रहा था कि कौन सा आउटफिट पहने। क्या आपको भी ऐसा होता है, कहीं आप लोकेशन में घूमने जाते हो और आपको डिसाइड करना पड़ता है कि किस डे पे आप कौन सा आउटफिट पहने, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मेरे साथ तो ये हमेशा ही होता है, मैं बहुत सारा आउटफिट लेके जाती हूँ और बैग भर के जाती हूँ, उसके बाद मैं डिसाइड ही नहीं कर पाती हूँ कि कौन सा आउटफिट मैं चूज़ करूँ। सो आई एम डन विथ माई ब्रेकफास्ट, थोड़ा इधर का व्यू एंजॉय कर रही हूँ, बहुत मस्त व्यू है। और ये जो आप देख रहे हो ये बीच, ये एक्चुअली प्राइवेट बीच है। मतलब हम लोग जिस होटल में रह रहे हैं, जिस विला में, तो इधर से हम लोग इन लोगों का प्राइवेट बीच भी जा सकते हैं। तो कल मैं जब आई थी तो नहीं जा पाई, लेकिन आज जा सकते और एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी इस पानी में दूर तक जाना अलाउड नहीं है, तो क्योंकि इधर का जो डेप्थ है बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए हवा बहुत मस्त आ रहा है। ब्रेकफास्ट के बाद डायरेक्ट पहुंच गई थी जटायु अर्थ सेंटर के लिए, और ये है जटायु अर्थ सेंटर का एंट्रेंस। और वर्केला से जटायु अर्थ सेंटर का डिस्टेंस है 30-35 किलोमीटर्स। आप स्कूटी रेंट करके भी आ सकते हो या फिर कैब बुक करके भी इधर आ सकते हैं। अभी मैं आई हूँ जटायु अर्थ सेंटर में, ये है पीछे का व्यू। और अभी हम लोग लेंगे केबल कार, पीछे जो है वो टिकट काउंटर है, और इधर बिग बैग अलाउड नहीं है, पहले से ही बता दे रही हूँ, क्योंकि अगर आप बिग बैग लेके आते हो तो वो आपको क्लॉक रूम में रखना पड़ेगा। और उसके बाद हम लोग जाएंगे ऊपर। आज 14 अगस्त है, बट अगर आप जल्दी जल्दी आओ तो इतना भी नहीं दिखने को मिलेगा, आप देख सकते हो पूरा खाली है। तो हम ऊपर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। अभी इधर से हम लोग जाएंगे केबल कार के लिए। इधर एक टिकट ऐसा है, एंट्रेंस के लिए आपको लगेगा 250, फिर आप इधर आओगे। तो ये जो आप पीछे देख रहे हो, अभी इधर से हम लोग जाएंगे अंदर, और अंदर एयर केबल के लिए बुकिंग करना होगा। आई एम सो एक्साइटेड। नेक्स्ट एंटर करने के बाद मैं पहुंच गई थी केबल कार बुकिंग काउंटर। का कॉस्ट है 265 पर है। अभी मैं जा रही हूँ इधर, ये है जटायु, और हम लोग जाएंगे इससे। एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग, वीडियो पूरा देख रहा, मैं बहुत नर्वस भी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। केबल कार का टिकट काटने के बाद आपको लाइन पे खड़ा होना पड़ेगा, और इधर से आपका केबल कार आएगा और आपको उठना पड़ेगा। और हम चलेंगे 1200 फीट ऊपर और देखने जटायु को। ये केबल कार ऊपर से नीचे आ रहा है और हम लोग जाएंगे ऊपर। और इधर 4 केबल कार साथ में ही चलता है, और 6 पर्सन करके एक केबल कार के अंदर आप बैठ सकते हो। इनिशियली केबल कार को देख के आपको लग सकता है कि ये बहुत स्लो चलता है, लेकिन ये बिल्कुल भी स्लो नहीं चलता है, 5 से 10 मिनट में आपको ये ऊपर पहुंचा देगा। और हाँ, ये केबल कार कभी स्टॉप नहीं होता है, आपको चलते हुए उठना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो वो लोग अभी उतर रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी जटायु अर्थ सेंटर विजिट कर चुके हैं। अभी हम लोग का टर्न है और हम लोग भी चलते हुए इस केबल कार के अंदर जाएंगे। और दूर से तो ये बिल्कुल हेलीकॉप्टर की बॉडी की तरह लगता है। फाइनली मैं येलो वाला केबल कार के अंदर बैठ चुकी थी, और ये बहुत स्पीड में चल रहा था। पसीना पसीना आ रहा है।
अभी बहुत लोग सोच सकते हैं कि केबल कार में डरने वाली क्या बात है, लेकिन मैं बहुत ही डरपोक लड़की हूँ, इसलिए मैं बहुत डरी थी इनिशियली जब वो ऊपर चल रहा था, क्योंकि मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, तो पहली बार तो होगा ही ना। और ये व्यू जो लग रहा था ना, बहुत मस्त लग रहा था। जब नीचे देख रही थी और नीचे पूरा खुला हुआ था और साइड से हम लोग अदर केबल कार को देख रहे थे, ये ऐसा लग रहा था कि मैं फॉरेन में हूँ। मंजिल के करीब पहुंचने के जस्ट बिफोर मैंने जब चटाई को देखा तो मैं बहुत मेसमराइज हो गई। तो नीचे जो आप देख रहे हो वो सीढ़ी है और 865 स्ट्रिप्स क्रॉस करके भी आप जा सकते हो। कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताना कि आप 865 स्ट्रिप्स क्रॉस करके जाओगे या फिर मेरी तरह केबल कार में जाओगे। और मैं आ गई थी बहुत क्लोज टू सी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बर्ड स्कल्पचर। ओ माय गॉड, आई वाज सो एक्साइटेड। और इसी बीच ना मेरे साथ हो गया था हादसा और मैं गिरने वाली थी, जो मैं आपको वीडियो के शुरुआत में बोल रही थी, और मेरा फोन गिरने वाला था क्योंकि ये केबल कार तो स्टॉप ही नहीं होता है। बहुत ऊपर से आई हूँ, लेट्स गो एंड सी द प्लेस। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत बचपन में फर्स्ट टाइम टीवी पे जब रामायण देखी थी, उस टाइम जटायु अपनी सीता माँ को बचाने के लिए बहुत प्रयास किए थे। और रावण के साथ युद्ध होने के बाद रावण जब उनका पंख काट दिए थे तो वो इसी जगह पे आके गिरे थे, इसीलिए दिस प्लेस इज डेडिकेटेड टू वुमेन सेफ्टी ऑल्सो। और इसी पत्थर में लिखा हुआ है इस जगह का हिस्ट्री और 1999 से वो लोग कैसे इस जगह को एक टूरिस्ट प्लेस बनाने में सफल हुए थे। मुझे नहीं पता कि वीडियो में कितना बड़ा दिख रहा है, ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी धूप है। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि छाता लेके आओ, क्योंकि मैं तो छाता लेके आई नहीं हूँ, मुझे बहुत गर्मी लग रहा है। अगर आप शाम को आते हो तो भीड़ भी मिलेगा, इस टाइम पे आना परफेक्ट है, बस छाता और टोपी लेके आ जाना। बाकी ये जगह काफ़ी बड़ा है और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है धूप के कारण। ऊपर आपको देखने को मिलेगा 2-3 स्टॉल्स और खाने का ऑप्शंस अभी तक उतना ज्यादा नहीं है। आते आते भूख लग गया है और इधर एक ही दुकान है, वो पीछे आप देख रहे हो भीड़ लगा हुआ है क्योंकि सबको ही भूख लग रहा है और गर्मी तो बहुत लग रहा है मुझे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, जैसे कि मैंने बताया, छाता लेके आओ। लेकिन लकीली बहुत पहले आ गए हैं, जितना सुने थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ होता है केबल के लिए, लेकिन 14 अगस्त है आज, लेकिन उतना ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ है। देखो उतना भी नहीं है, इसलिए आराम से घूम पा रहे, दैट इज़ अ वेरी गुड एडवांटेज। अब इस खाने के स्टॉल्स में क्या क्या है वो मैं बताती हूँ। मोस्टली इधर पकौड़ेज और वड़ा ही मिलता है। इधर था मेदू वड़ा, फिर मसाला वड़ा, समोसा और नींबू पानी भी बहुत बिक रहा था। तो पहले तो मैंने समोसा और वड़ा ट्राई किया है। मैं तो ये सोच रही थी कि 1200 फीट के ऊपर ये लोग इतना अच्छे से समोसा और वड़ा कैसे बना रहे थे। स्पेशल मसाला वड़ा ऑयली है, अच्छा है। इतना गर्मी में जब आप वॉक करते हो और उसके बाद आपको अगर नींबू पानी मिल जाता, इससे अच्छा चीज़ कुछ नहीं हो सकता है। और उसी जगह पे जाने के बाद मुझे पता चला कि नींबू पानी कितना बड़ा रोल प्ले करता है ह्यूमन बॉडी में। उसके बाद मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी राइप बनाना का पकौड़ा, ये बहुत ही यम्मी था। और ये है भगवान श्री राम के चरण, वो जटायु से मिलने इसी जगह पे आए थे और इसी के कारण इधर एक खूबसूरत राम जी का मंदिर भी बनाया गया है। ये जगह जितना पवित्र है उतना ही नीट एंड क्लीन है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। दूर से जब केबल कार को देख रही थी तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी अंदर कि मैं इसके अंदर चढ़ के आई हूँ। केबल कार में बोथ वेज इंक्लूडेड रहता है, तो आप जब तक चाहे तब तक भी ऊपर रह सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। अभी मैं जिस जगह में खड़ी हूँ, ये आप देख सकते हो, ये पंख है जिसको डिज़ाइन करके जटायु लिखा गया है। और इसके ऊपर जो पैर देख रहे हो, वो जो ये नीचे गिरे थे जटायु, तो इस हालत में गिरे थे जितना पता है, तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर भी ऐसे ही बनाया गया है। और इधर आप बहुत सारा फ़ोटोज़ भी खींच सकते हो, तो थोड़ा फ़ोटो खींचने के लिए जगह के लिए बनाया है एंड इट्स वेरी नाइस। 2-3 घंटा कड़ी धूप में ऊपर रहने के बाद टाइम हो गया था नीचे आने का और मुझे मिल गया था ब्लू कलर का केबल कार।
और उस दिन इतना ज्यादा धूप था ना, मेरा शक्ल देख के आप समझ सकते हो मैं पूरा जल गई थी। और ये केबल कार नीचे की तरफ जब जा रहा था ना, मुझे बहुत डर लग रहा था। तो मैं नीचे आ चुकी थी और मैं इस बार फोन ऑन नहीं की थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं फिर से गिर जाऊंगी। और ये मैं आई हूँ केबल कार के नीचे का फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर के अंदर। चटई आर्ट सेंटर के नीचे आ गए। फर्स्ट फ्लोर में आपको देखने को मिलेगा ये, मतलब बच्चों के खेलने के लिए, और कुछ कुछ मिलेगा आपको वेज खाना। मैंने तो बटर मिल्क लिया है, बहुत ही टेस्टी बटर मिल्क है पसीने के बाद। उसके बाद नीचे जाएंगे और हो गया मेरा बकेट लिस्ट आज का। देखते हैं शाम को क्या करते हैं। समोसा, मैगी, पकौड़ा, ये सब खाने के बाद हो गया था चार और मैं निकल चुकी थी जटायुआ सेंटर से बाहर। अभी चलेंगे हम लोग कपिल बीच, रास्ते में ही वो बहुत ही नज़दीक है और कपिल बीच से आप सनसेट भी देख सकते हैं। और ये जगह काफ़ी सुकून से भरा हुआ रहता है, उतना ज़्यादा लोग बिल्कुल भी नहीं रहता है। कपिल बीच का डेप्थ बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इस बीच का एक बैक वाटर है, आप बैक वाटर में नहा सकते हो, लेकिन इस बीच में ज़्यादा आप नहीं नहा सकते हो। समुंदर के किनारे बैठ के मैं देख रही थी इन दो फिशरमैन को जो समुंदर से प्रे कर रहे थे, क्योंकि वो लोग जा रहे थे फिश पकड़ने। और ये सीन देखने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब हो रहा था सनसेट का टाइम, तो थोड़ा बहुत लोग देखने को मिल रहे थे। और ये है कपिल बीच का एक साइड का व्यू, यहाँ पे मोस्टली प्री वेडिंग शूट्स और बहुत सारा मूवीज़ का शूट होता है। सनसेट का टाइम हो गया था और मैं इस पत्थरों के बीच बैठी हुई थी क्योंकि मुझे सनसेट देखने में बड़ा मज़ा आता है। ये व्लॉग को करते यही है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो में लाइक कर देना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी केरला का एक हिडन आइलैंड, तब तक के लिए बाय।